नमस्कार, मैं रितेश कुमार केसरी स्वागत करता हूँ आप सभी दर्शकों का जन जागृत न्यूज चैनल पर, आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। आज दिनांक 11 जून 2021 को अखिल भारतीय स्तर की सामाजिक संस्था सेवा संकल्प द्वारा ब्लॉक मांडा प्रयागराज में कोविड 19 से बचाव हेतु ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर एवं मास्क का निःशुल्क वितरण संस्था के कैंप कार्यालय शिशु वाटिका स्कूल महेवा कला मांडा ब्लॉक प्रयागराज आज वो श्री विजय बहादुर यादव एडीओ पंचायत मांडा के कर कमलों द्वारा किया गया। यह अवगत कराना आवश्यक है कि सेवा संकल्प मांडा ब्लॉक में कई वर्षों से समाज सेवा के कई कार्य जैसे बच्चों हेतु निःशुल्क विद्यालय, दिव्यांग एवं मंद बुद्धि बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय भी चल रही है। सेवा संकल्प दिव्यांगजनों के लिए व्हील चेयर, ट्राई साइकिल आदि उपकरणों का वितरण भी करती रहती है। सेवा संकल्प ने कोविड 19 की प्रथम लहर में लगभग 1000 जरूरतमंद परिवार को राशन किट वितरित की थी। आज के उपरोक्त कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में बृहद स्तर पर किया गया है। इस उक्त कार्यक्रम में उपस्थित सेवा संकल्प संस्था के संरक्षक श्री राजकुमार श्रीवास्तव, कमल जी, सुप्रीत जी, विजय बहादुर यादव सहायक विकास अधिकारी मांडा, ब्रिजेंद्र कुमार शुक्ला ग्राम विकास अधिकारी मांडा, संदीप कुमार मिश्रा अमर उजाला पत्रकार, इस्लाम अंसारी न्यूज वन इंडिया पत्रकार, राहुल यादव सूरज वार्ता पत्रकार, असद अली ग्राम प्रधान मांडा खास मांडा ब्लॉक अंतर्गत सभी ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान व पत्रकार उपस्थित रहे। अमर उजाला का पत्रकार हूँ, मांडा प्रतिनिधि हूँ और यहाँ उपस्थित सभी नवनिर्मित निर्वाचित ग्राम प्रधान का मैं सेवा संकल्प स्वयं सहायता समूह के तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं अपने एडीओ पंचायत साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आज कुछ ग्राम पंचायतों में चुनाव है, पोलिंग पार्टियां रवाना होनी हैं। इतना व्यस्ततम शेड्यूल होने के बाद पंचायत साहब ने हम सब के बीच अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और अपने सचिव विजय शुक्ला जी का भी, क्योंकि इन्हीं के मत्थे पूरा विकास भवन कहिए या मांडा के लिए तो विकास भवन ही है और वहाँ की संपूर्ण जिम्मेदारी ये बखूबी निभाते हैं। पिछला चुनाव था, हमने देखा था कि इतना ये एक्टिव थे कि शब्दों से नहीं कहा जा सकता, जैसे व्यक्ति के घर बारात आ जाए, कर्मचारी वैसे इतना एक्टिव नहीं रहते हैं, जैसे किसी के घर बारात आ जाए वो स्वयं जितना एक्टिव रहे उतना एक्टिव हमारे शुक्ला जी थे। एक ताली इनके लिए और पंचायत साहब के लिए कि अपना अमूल्य समय निकाल के सरकार वैसे काम कर रही कोविड पर, लेकिन हमारे बीच और समाज से NGO भी आगे आ करके यदि इस कोविड महामारी में अपना योगदान दे रहे हैं तो उनके लिए एक ताली बजनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए। प्रेरणा को यानी आप समझते, कई बार हमारे पास आपने फोन किया कि आपको आना आना है, मेरी ये दुर्दशा है, मैं बैठा है, मेरा मन ब्लॉक है, पूरी समझ लीजिए तन यहाँ है, टीम आ गई है, मन हमारा वहीं पे, सारी टीमें आ गई है, सब कुछ है, तमाम तरह के फोन आ रहे हैं, इसलिए मैं कुछ बता नहीं पा रहा हूँ न आपको कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी आपकी मुलाकात बराबर होती रहेगी ब्लॉक पर। हमारे पत्रकार बंधु हैं, सेवा संस्थान के जो आप सब हैं, क्योंकि हो सकता है कि मौका मिले या न मिले वो अलग विषय है, लेकिन आप सबसे मौका बराबर मिलता रहेगा, ठीक है। हमारे जो ग्राम पंचायत के सदस्यगण भी आए हैं, क्योंकि अब इसी ब्लॉक में रहना है तो किसी का कोई वर्क पड़े, काम पड़े, कोई बात है तो आपके काम करने के लिए तो आप तात्पर है, आपके प्रधान जी भी है इस गांव के, सभी लोग जो भी आवश्यकता होगी हम उसको जो है कि सोचेंगे, तो अपने स्तर से हो सकता है, उसमें कहीं किसी प्रकार की कोताही नहीं होती। जी आपका परिचय क्या है? मैं एडवोकेट सुप्रीत कौर लखनऊ से हूँ और सेवा संकल्प ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी हूँ। जी तो जिस यहाँ पर कुछ प्रोग्राम चल रहा है इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए आप। हमारी सेवा संकल्प ऑर्गेनाइजेशन वैसे तो 1992 से पूरे इंडिया में काम कर रही है बिना किसी सरकारी सहायता के, और अभी कोविड की जो पहली लहर थी उसमें भी हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया लगभग 1000 परिवारों को,
और अभी जो है जैसे दूसरी लहर में भी हर कोई प्रभावित हुआ है, तो हमारा एक टारगेट है कि जो गाँव के लोग हैं जिन्हें सुविधाएं प्रॉपर नहीं मिल पाती है, तो एटलीस्ट फर्स्ट एड के लिए हमने यहाँ के जो ग्राम प्रधान है ब्लॉक में मांडा ब्लॉक में जो है गाँव है उसके ग्राम प्रधान है उनको हमने इंफ्रारेड ऑक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर ऑक्सीमीटर और साथ में हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया है कि फर्स्ट एड की फैसिलिटी एटलीस्ट लोगों को तुरंत मिल सके। कोई गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं है, ये हमारे अपने डोनर्स हैं, हमारे अपने प्रोग्राम्स हैं, हमारे अपने दानदाताओं ने कंट्रीब्यूट करके हमारे मेंबर्स ने गांव के लिए ये काम किया है। हमारे कुछ जो बच्चे अब आगे पढ़ के निकले हैं जो कि IIT का एलुमनाई ग्रुप है, उन लोगों के सहयोग से हम लोग इस तरह के हम लोग काम सिर्फ यहाँ ही नहीं, हमारा इस समय झारखंड उत्तराखंड सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो आपने जिस तरह से हम प्रोग्राम रखा हुआ है ये महिमा है एरिया, तो यहाँ आपको आना किस तरह से हुआ, क्योंकि आपको यहाँ पर संस्थान का कार्यरत कोई है यहाँ पर? जी हमारा ये इस समय कैंप कार्यालय है महिमा में शिशु वाटिका स्कूल, जहाँ पे निशुल्क जो है क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा जो है मानसिक एवं दिव्यांग मतलब मानसिक रूप से जो बच्चे विशिष्ट हैं और जो शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे हैं उन बच्चों का भी हमारा जो है एजुकेशन सेंटर यहाँ से निशुल्क चल रहा है। जी बहुत अच्छा, आपने बात बताया, एक चीज और जानना चाहूंगा, क्या इसके बाद किसी और गाँव में प्रोग्राम आपका इस तरह से? जी बिल्कुल, अभी इसके बाद हमारा जो राशन किट का डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी हफ्ते में होना है और हमारा जो दूसरा प्रोग्राम हमने दूसरा ब्लॉक भी एक सेलेक्ट किया है 96 करके यहाँ से करीब 19 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है एक ब्लॉक मिर्जापुर जिले में। जी जी मिर्जापुर जिले में पड़ता है, हम उस ब्लॉक के लिए भी काम करना शुरू कर चुके हैं। मतलब आपका ये है कि एक ब्लॉक से एक गांव को आप चुनते हैं? नहीं, एक ब्लॉक से एक गांव को नहीं, हम एक ब्लॉक के अंदर जितने भी गांव आते हैं ऑलमोस्ट जितने कवर कर सकते हैं हमारे बजट के हिसाब से हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है सहयोग करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही स्पष्ट बात को रखा है, धन्यवाद जी। आपका परिचय क्या है? मैं अधिवक्ता हूँ, लखनऊ हाईकोर्ट में वकालत करता हूँ, शिव कुमार श्रीवास्तव नाम है मेरा, उपनाम शिवेश के नाम से लोग मुझे जानते हैं यहाँ से लेकर लखनऊ। नहीं, आप लखनऊ के रहने वाले हैं? नहीं, मैं रहने वाला इत्तेफाकन जहाँ पे आप खड़े हैं मैं इसी ब्लॉक इसी गांव का रहने वाला हूँ महवा कलक, और यहीं से मंगला प्रसाद इंटर कॉलेज से पढ़ाई लिखाई करके इलाहाबाद, और उसके बाद मैं इलाहाबाद के बाद में लखनऊ, चूंकि मेरे पिताजी की नौकरी लखनऊ में थी इस कारण मैं वहीं पे वकालत करने लगा और मेरा पूरा परिवार वहीं पे। जिस तरह देखा जा रहा है बहुत ही अच्छा आपने काम किया हुआ है, इस टाइम सेवा संकल्प होता है, जिस तरह से आपने प्रोग्राम रखा है बहुत ही अच्छी बात लोगों को भी बताई है। मैं जानना चाह रहा था कि इस तरह से जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं करा रहे हैं क्या हर एक ब्लॉक हर एक गांव में होने वाला है, यही होना था? नहीं देखिए, ये चूंकि कोई हमारे पास में जितनी फंड की अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि हमारे आपके जैसे जो सदस्य होते हैं वही इसके लिए एक फंड अवेलेबल कराते हैं, क्योंकि अकेले ना मेरे कहने पे या किसी के कहने पे हम लोग कोशिश करते हैं कि आपस में कि किस ब्लॉक में ज्यादा जरूरत है कहाँ ज्यादा जरूरत है, तो कोई ऐसा नहीं, चूंकि हम लोग पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई सहयोगी संस्थाएं या सहयोगी लोग मिलते रहते हैं। आज की डेट में ही जैसे यहाँ ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर का वितरण हो रहा है, उसी तरह रांची में ओल्ड एज होम में झारखंड में डिजिटल थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर का वितरण किया जा रहा है, तो जहाँ जैसे सहयोगी, और रांची में ही झारखंड में खूंटी जिला पड़ता है वहाँ पे आज राशन वितरण हो रहा है संस्था की तरफ से। बहुत अच्छा, आपने बताया एक चीज और बताई, इस तरह से NGO के तहत कार्य किया जा रहा है? जी हाँ, सेवा संस्था एक हमारी संस्था है, जिस तरह से बनाई थी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, तो क्या इसमें गवर्नमेंट का कोई सहयोग नहीं? नहीं, गवर्नमेंट का सहयोग गवर्नमेंट संस्थाओं को करती है, लेकिन हमारी संस्था ने अभी तक गवर्नमेंट से किसी तरह का सहयोग लेने का प्रयत्न नहीं किया, जबकि संस्था के आयकर अधिनियम में भी संस्था पंजीकृत है, विदेशी चंदे के लिए भी संस्था अधिकृत NGO में से है, संस्था का खुद का 12A FCRA सारे पंजीकरण हैं, लेकिन सरकारी प्रक्रियाओं के लिए समय न मिल पाने के कारण हम लोग सरकारी अनुदान की तरफ ज्यादा रुचि नहीं रही सदस्यों की, ये कह लीजिए, और समय समय पे जैसे कुछ प्राइवेट कंपनियां या लोग सहयोग करते हैं तो उनका सहयोग सहर्ष स्वीकार होता है। संस्था को ये नहीं कह रही कि संस्था सरकार सहयोग NGO को करती नहीं, क्योंकि हमें अनुभव ही नहीं है, हमने किसी सरकारी योजना में काम करने का प्रयत्न ही नहीं किया। जी लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप देना चाहेंगे पब्लिक को, समाज को कुछ? हमारा सिर्फ इतना कहना है कि किसी बैनर या सरकार मतलब कोई भी संस्था या सरकार के ऊपर निर्भर होने के लिए अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी मानसिकता बदल लें कि अगर हम दो रोटी खाने में सक्षम है तो एक रोटी जिसके पास में नहीं अगर उसको बांट लें तो समाज से आधे से ज्यादा बुराइयां कुरीतियां गरीबी
दूर हो सकती है। धन्यवाद, ये भावना विकसित करने की बहुत अच्छी बात। धन्यवाद, आपने बहुत स्पष्ट बात अपने रखा। चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें जन जागृत न्यूज सच के साथ, साथ में बेल आइकन दबाना न भूले। धन्यवाद।